बसमिल्ल रन रही असल डियर स्टूडेंट्स इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड एट टुडे आर टॉपिक इज मैट्रिसेस बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई हैं वो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप Diagonal matrix A diagonal matrix. Is a square matrix in which all the elements. Except those elements along with leading diagonal. जीरो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू वन जीरो जीरो टू बी इज इक्वल टू वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री अब डेफिनेशन से वादे पता चल रहा है कि डायगनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो डायगनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स अलोंग विद लीडिंग डायगनल लीडिंग डायगनल हमने डिस्कस किया था जो लेफ्ट कॉर्नर जो टॉप का है और राइट बॉटम कॉर्नर ये लीडिंग डायगनल है अब इस लीडिंग डायगनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये डायग्नल मैट्रिक्स के लाएगा ऑफ ऑर्डर टू बाय टू सेम इसी तरह ये लीडिंग डायगनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री क्योंकि यहां पे थ्री रोज और थ्री कॉलम्स हैं नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स A diagonal matrix is called scalar if all the entries. ऑफ लीडिंग डायगोनल आर सेम ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें लीडिंग डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हो अब डायगनल मैट्रिक्स जरूरी है स्केलर होने के लिए तो डायगनल में हम पढ़ चुके हैं कि लीडिंग डायगनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होंगी तो डेफिनेटली स्केलर मैट्रिक्स में भी लीडिंग डायगनल की एंट्री सेम होंगी और रिमेनिंग एंट्रीज जीरो होंगी फॉर एग्जाम्पल एज इक्वल टू टू जीरो जीरो टू अब ये लीडिंग डायगनल है तो लीडिंग डायगनल की तमाम एंट्रीज सेम है तो ये हमने डायगनल और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझी इनको आप याद करेंगे जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड Unit matrix if all the leading diagonal entries. इक्वल टू वन तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है स्केलर मैट्रिक्स में हमने अभी पढ़ा कि लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज सेम होंगी तो यूनिट मैट्रिक्स में लीडिंग डायगनल की एंट्रीज सेम होने के साथ साथ इक्वल टू वन होंगी तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन अब ये लीडिंग डायगनल है यहां पे दोनों एंट्रीज लीडिंग डायगनल की वन के इक्वल हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज डेफिनेटली जीरो होंगी तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा नेक्स्ट टाइप है नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स Is called a null matrix if all the elements are zero.

ये एक रो मैट्रिक्स है लेकिन चूंकि इसके भी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा और अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है लेकिन इसकी भी एंट्री जीरो है तो इसे भी हम नल मैट्रिक्स कहेंगे और अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा फॉर एग्जांपल ये एक मैंने रेक्टेंगल मैट्रिक्स लिखा इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज टू हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री हैं तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है लेकिन इसकी भी तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं तो ये मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा जी स्टूडेंट्स अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझते हैं अ मैट्रिक्स ऑबटेंड By changing the rows into columns or columns into rows. Is called transpose of a matrix. For example A matrix amid the वन टू थ्री फोर इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए टी से तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें एक काम करेंगे दोनों नहीं करने अब ये फर्स्ट रो है वन टू इसको फर्स्ट कॉलम लिखें सेकेंड रो है थ्री फोर इसे सेकेंड कॉलम लिखें तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा अब हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया तो कॉलम्स आप चेक करें ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो चुके हैं फर्स्ट कॉलम वन थ्री है ये फर्स्ट रो बन गई सेकेंड कॉलम टू फोर है ये सेकेंड रो बन गई तो जब भी आप ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें तो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकल आएगा अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम इक्वल मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal matrices.

order of both matrices is same or second condition hai the corresponding entries ya elements आर आल्सो इक्वल फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है थ्री सेवन नाइन फोर और बी मैट्रिक्स है टू प्लस वन एट माइनस वन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड थ्री प्लस वन अब इन दोनों मैट्रिसेस पे स्टूडेंट्स गौर करें फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर टू बाय टू है और सेकेंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी टू बाय टू है और इनकी कॉरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। ए वन वन थ्री है और बी वन वन भी टू प्लस वन करें तो थ्री आएगा ए वन टू सेवन है और बी वन टू भी सेवन है एट में से वन सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट सेवन आएगा ए टू वन नाइन है और बी टू वन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन आएगा ए टू टू फोर है और बी टू टू थ्री प्लस वन करें तो रिजल्ट आएगा तो ये दोनों मैट्रिसेस बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं लिहाजा ये मैट्रिस इक्वल मैट्रिस कहलाएंगे जी स्टूडेंट्स अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए स्टूडेंट्स रूल समझना जरूरी है दो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी वक्त मुमकिन होगी जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा अगर दो मैट्रिसेस डिफरेंट ऑर्डर्स के गिवन होंगे तो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें ए मैट्रिक्स गिवन है फाइव नाइन थ्री सिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है सेवन थ्री फोर फाइव अब यहां पे जो दो मैट्रिस गिवन है दोनों का ऑर्डर सेम है ए मैट्रिक्स भी टू बाय टू ऑर्डर का है बी मैट्रिक्स भी टू बाय टू ऑर्डर का है अब अगर ए प्लस बी करेंगे ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे और ऐड करने का तरीका यह है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे कॉरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे फर्स्ट मैट्रिक में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री फाइव है और सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री सेवन है तो ये कॉरिस्पोंडिंग एंट्री होंगी फाइव प्लस सेवन कर देंगे सेम इसी तरह नाइन प्लस थ्री थ्री प्लस फोर एंड सिक्स प्लस फाइव तो एडिशन में कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर देना है अब इनको सिंप्लीफाई कर लें फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व थ्री प्लस फोर सेवन सिक्स प्लस फाइव इलेवन तो ये हमने एडिशन किया इन दो मैट्रिसेस का अब इसी तरह इनकी सप्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं सप्ट्रैक्शन में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे फाइव नाइन थ्री सिक्स माइनस सेवन थ्री फोर फाइव अब यहाँ पे माइनस करना है तो कॉरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रेक्ट कर देंगे फाइव माइनस सेवन नाइन माइनस थ्री थ्री माइनस फोर सिक्स माइनस फाइव इसको सिंप्लीफाई कर लें फाइव माइनस सेवन रिजल्ट माइनस टू आएगा नाइन माइनस थ्री सिक्स थ्री माइनस फोर माइनस वन एंड सिक्स माइनस फाइव वन तो ये हमने दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन की तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझी और एडिशन और सब्ट्रेक्शन दो मैट्रिसेस की सॉल्व करना सीखी नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़